खडूर साहब में मेरे दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज विराजमान हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब में विराजमान हैं। इतिहास में लिखा है जब वो विराजमान होते थे ना, लाइनें लग जाती थी दुखियों की फरियाद के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्यों ना लगे, केवल दर्शन मात्र से ही दुख दूर हो जाते थे गुरु अंगद देव जी महाराज के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी शोभा हो गई गुरु अंगद देव जी महाराज की, दूर दूर से लोग आने लगे। एक नाम आया है पारो, भाई पारो, उसने सुना, व्यापारी है जैसे हम हैं वैसे वो, निंदा चुगली बिकीली हर चीज जैसे हमारा जीवन है नॉर्मल वैसे उसका जीवन। सुना, मित्रों ने कहा एक बार दर्शन कराना, बड़ा आनंद मिलता है। तो वो दोस्तों के कहने पर एक बार आ गया, नाव में चढ़ा और आ गया, ब्यास दरिया पार करके खडूर साहब आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गया, देखा इतनी सारी लाइनें लगी हुई हैं, दूर बैठ के गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन करता रहा और सिखों की बातें सुनता रहा। वहाँ पे सिखों की बातें क्या सुन रहा है, कुछ सिख आपस में चर्चा कर रहे हैं कि वो फलाने की अवस्था हंस की हो गई है और उस फलाने सिख की अवस्था परम हंस की हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने बातें सुनी, उसको कुछ समझ में नहीं आया, पर मन में हो गया परम हंस क्या होता है, हंस तो पता है परम हंस क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन करता रहा गुरु अंगद देव जी महाराज के, जैसे असल में देखने में और दर्शन करने में बहुत अंतर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक को देखा तो बहुत लोगों ने, कहीं उन्हें भूतना बेताला भी कहा, कोई आके भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने आदमी कहा, किसी ने भूत कहा, किसी ने बेताल कहा, गुरु नानक पातशाह को। अब देख तो वो भी रहे हैं पर दर्शन कोई विरला करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शनों में प्रेम होता है, अब इसके अंदर प्रेम है नहीं, पहली बार आया देख रहा है गुरु अंगद देव जी महाराज को, सब माथा टेक रहे, इसने भी माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत की बढ़ियाई, सत्संग में आ गया सिर्फ ऐसे ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली समा होगा किस्मत जागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही माथा टेक के मुड़ा, गुरु अंगद देव जी ने आवाज दिया, मन में जो सवाल है पूछ तो ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा मेरे मन में तो कोई सवाल नहीं है। कहने लगे नहीं, तेरे मन में सवाल है, तो पूछ, सोच रहा था ना मन में अभी हंस और परम हंस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा हाँ सवाल तो था, आपको कैसे पता। कहने लगे वो छोड़, तो क्या जानना चाहता है। कहने लगा मैं हंस के बारे में तो मुझे पता है, परम हंस क्या होता है। गुरु अंगद देव जी महाराज दया के सागर, पता नहीं किस कौन से कर्म जागे इसे, इसे ज्ञान दे रहे हैं। कहते हंस होता है जो सागर को उड़कर पार कर जाता है, परम हंस भव सागर से पार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हंस मोती चुगता है, परम हंस सत्संगत में आकर नाम के मोती चुगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हंस और परम हंस में एक अंतर है, हंस के पास कौवा बैठ जाए, बगला बैठ जाए, वो हंस नहीं हो जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर परम हंस के पास कोई कौवा बिरती आके बैठ जाए, कोई बगला आकर बैठ जाए, चोर आकर बैठ जाए, परम उनसे हंस उसे भी परम हंस बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परम हंस वो अवस्था है गुरसिख की, संत की अवस्था, के पास में कोई भी आ जाए उस पर उसका प्रभाव नहीं होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना निंदकों का, ना चोरों का, ना किसी भी चीज़ का उस पर प्रभाव नहीं होना, यह परम हंस अवस्था है। आखिर में जाते हुए गुरु अंगद देव जी ने एक वचन मुखारबिन से कह दिया, कहने लगे गोविंदवाल वाले के ही संगत करते रहना। देखिए फ्यूचर बता दिया, गोविंदवाल वाले के तीसरे गुरु नानक गोविंदवाल वाल में बसेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोविंदवाल साहब में गोविंदवाल वाले की संगत करते रहना, एक दिन तू भी परम हंस बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वचन तो निकले गुरु के मुख से, पूरे तो होने, इसने संगत करनी शुरू की गुरु अमरदास जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत करते करते आज और रंग, परसों और रंग, करते करते कई साल बीत गए, इसकी अवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है सात संगत जी कि इतनी मीठी तरह से बाणी पड़ता था, इतनी सुरीली आवाज में, इतनी भीतर से दर्द से बाणी पड़ता था कि
कि इंसान तो बैठ ही जाते थे, संगत उठ नहीं पाती थी, पशु पक्षी आकर बैठ जाते थे इसके इसके मुख से बाणी सुनने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी हैरानी की बात है कि एक इंसान बाणी पढ़ रहा हो, पशु पक्षी आकर बैठ जाए, क्या क्या ताकत होगी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसी बातों पर लोग अक्सर तर्क कर देते कि कुछ भी बोला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी लिखा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की आश्चर्य कथा। साधु की कथा है ही आश्चर्यजनक, ज्ञानियों को समझ में नहीं आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ ज्ञान खत्म होता है वहाँ पर तो साधु की अवस्था शुरू होती है, ज्ञान से परे। भाई नंदलाल जी ने क्या मांगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, कि दिमाग के परे की अवस्था दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही भाई पारो जुलका, जिनका नाम आया भाई पारो, एक बार बाणी पढ़ रहे थे। बता रहा हूं सत्संगत में क्या से, एक आदमी आया, आम आदमी, गुरु अंगद देव जी महाराज को संगत को देखने एक बार, और आज अवस्था क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार एक इतिहास में आया कि एक बार ये बाणी पढ़ रहे थे, गुरु अंगद देव जी महाराज भी बैठ के श्रवण कर रहे हैं संगत में, इतने प्रेम में भीग गए गुरु अंगद, गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक, इतने प्रेम में भीग गए, कहने लगे पारो गद्दी पे बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचिए क्या अवस्था बन गई है एक आम आदमी की, क्या पूछ रहे हैं, गद्दी पे बैठेगा। और पाई भारो ने हाथ जोड़कर पता क्या कहा पाई पारो ने, पाछा गद्दी नहीं, मुझे आपकी गोदी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अवस्था कैसे बनी सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।